नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर चंदौली में जिलाधिकारी ईशा दोहन के निर्देशन में क्रम में चकिया विकासखंड परिसर में चलो चंदौली प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत ही विकासखंड परिसर में जनसंपर्क और जनचौपाल का आयोजन किया गया है। और जनचौपाल में सरकार द्वारा ही संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जन सामान्य में प्रचार प्रसार और जागरूकता हेतु विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। बता दें कि जिलाधिकारियों ने स्टॉल का अवलोकन कर संबंधित विभागों के अधिकारियों से पूछताछ की है और जानकारी भी ली है। उन्होंने कहा है कि विभागों का सभी स्टॉल लगे हैं और एक विजिट रजिस्ट्रेशन रखा जाए, जिसमें स्टॉल पर भी आने वाले लोगों का नाम और संपर्क नंबर जोड़ा जाए। बता दें कि इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा है कि चलो चंदौली अभियान की आज चकिया से शुरुआत की गई है और समस्त ब्लॉक में इसी प्रकार से योजनाओं के कैंप लगाए जाएंगे। और कहा है कि इन कैंपों के माध्यम से प्रशासन जनता के द्वार ही तक पहुंचेगा। ऐसे में कैंपों के माध्यम से सरकार द्वारा ही संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं का जनसामान्य में प्रचार और प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम लगातार किया जाएगा और पात्र लोगों को लाभान्वित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आयोजित होने वाले कैंपों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच और दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। कहा है कि आयोजित किए जाने वाले शिविरों में जनता को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। और जिलाधिकारी ने इस अवसर पर चिन्हित लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड और विकलांगता प्रमाण पत्र, कौशल विकास योजना अंतर्गत ही स्मार्टफोन और मुख्यमंत्री आवास योजना वृद्धा पेंशन स्वीकृति पत्र और ग्रामीण आजीविका मिशन की सामूहिक में महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। आज चलो चंदौली अभियान, जो हमने एक नया अभियान यहाँ पे चंदौली में शुरू किया है, उसका आह्वान चकिया ब्लॉक से किया गया और चकिया में ब्लॉक स्तरीय कैंप लगा, जिसमें कि सारे जिला के जो जितनी योजनाएं हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबके यहाँ पे स्टॉल्स लगे। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे स्टॉल लगा। बैंक्स का भी इसमें योगदान रहा, बैंक्स का भी स्टॉल रहा यहाँ पे। और बहुत सारे इसमें लाभार्थी आए, उनको जितने लोगों को योजनाओं का लाभ दे सकते थे उनको दिया गया, जिन्होंने जानकारी, कुछ लाभार्थी आए थे जो जानकारी लेकर के गए हैं आगे योजना का लाभ लेंगे, सभी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कुछ लाभार्थियों को जो शासन प्रशासन की तरफ से जो वितरण होता है, गोल्डन कार्ड है, तो उनका वितरण भी आज के इस कैंप में किया गया है। इस तरह के कैंप्स हमने पूरे जनपद में आयोजित किए जाएंगे आगे और उनकी डेट्स भी मैंने सर्कुलेट कर दी हैं। तो हर ब्लॉक में इस तरह का जिला स्तरीय कैंप लगेगा, जिसमें कि जिला स्तर के सभी अधिकारी भी उपलब्ध रहेंगे। इसमें ना केवल हम योजनाएं जो है उनका लाभ हम जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, साथ ही अगर कोई समस्या है उनका भी समाधान करने का इन कैंप्स के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। सर, जन चौपाल लगाया है चलो आपके द्वार, तो द्वार का मतलब तत्पर ब्लॉक से है या घर घर भी? ये प्रथम चरण में हम ब्लॉक के जिला स्तरीय कैंप्स लगा रहे हैं और इसी में चलो चंदौली अभियान के अंतर्गत द्वितीय चरण में हम जो दूरस्थ ग्राम है हमारे, उनमें हम जो ग्राम स्तरीय चौपाल है और जन चौपाल है उसको हम लगाएंगे और वहां पे हम स्कीम्स लेके जाएंगे और उनकी समस्याओं को भी उनका समाधान कराएंगे।